नमस्कार, मैं आयुष और आपने देखना शुरू कर दिया है पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। आज हम जया किशोरी जी के जीवन परिचय पर नजर डालेंगे और उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बात करेंगे। जया किशोरी जी का नाम जया शर्मा है। उनका जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के गांव सुजानगढ़ में एक गौण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जया किशोरी के पिता का नाम शिव शंकर शर्मा है, जबकि माँ का नाम सोनिया शर्मा है। वहीं उनकी एक बहन भी है जिनका नाम चेतना शर्मा है। छोटी सी उम्र में ही भागवत गीता, नानी बाई का मायरो, नरसी का भात जैसी कथाएं सुनाकर प्रसिद्ध हुई जया किशोरी की निजी जिंदगी में भी काफ़ी चर्चा होती रहती है। राजस्थान में जन्मी जया किशोरी वर्तमान में कोलकाता में अपने परिवार सहित रह रही हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। जया किशोरी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोलकाता के महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी से की। उसके बाद उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की हुई है। करीब 9 साल की उम्र में जया किशोरी ने संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिव तांडव जैसे स्त्रोत गाकर हजारों श्रोताओं को प्रभावित किया। 10 साल की उम्र में जया किशोरी ने अमोघ फलदायी संपूर्ण सुंदरकांठ गाकर लाखों लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया। उसके बाद से उनके प्रशंसकों में कोई कमी नहीं आई और उनके प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। जया किशोरी के जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो बचपन में बहुत नटखट हुआ करती थीं और उनका अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा लगाव था। जया किशोरी जी की शादी की बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएँ होती हैं। वे अपनी शादी को लेकर क्या सोचती हैं, आइए जानते हैं। हर कोई व्यक्ति जया किशोरी जी के पति का नाम जानना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि जया किशोरी जी अभी तक अविवाहित हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वे साधु या कोई सन्यासी नहीं हैं, मात्र एक सामान्य महिला हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी अभी शादी नहीं हुई है और वे यह कभी भी नहीं चाहेंगी कि शादी के कारण उनकी कथा प्रभावित हो। जया किशोरी के प्रशंसक उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानने को बेहद उत्सुक रहते हैं। मसलन वो शादी कब कर रही हैं, कौन उनके दोस्त हैं, परिवार के साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग है। इंटरनेट पर भी ऐसे सवालों को बहुत सर्च किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी उनकी शादी को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जया किशोरी ने ऐसी ही एक वीडियो में अपनी शादी को लेकर चर्चा की है। संस्कार टीवी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में जया किशोरी ने कहा है कि अगर उनकी शादी कोलकाता में ही होती है तो ये उत्तम होगा, ऐसे में वो कभी भी अपने घर जाकर खा सकती हैं। लेकिन अगर वो शादी करके और कहीं जाती हैं तो उनकी शर्त ये है कि उनके माता पिता भी उसी जगह शिफ्ट होंगे। इससे उनके माता पिता भी वहीं कहीं आसपास घर लेकर उनके साथ ही रह सकते हैं। लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि जया किशोरी जी अपनी कथा की कितनी फीस चार्ज करती हैं, आइए जानते हैं। अगर जनसत्ता की एक रिपोर्ट को माने तो जया किशोरी अपनी कथा की फीस तकरीबन 10 लाख रुपए लेती हैं। आपको बता दें कि जया किशोरी कथा से कमाए हुए पैसों का बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान में दान कर देती हैं। यह संस्थान दिव्यांग लोगों की सेवा करता है, इसमें विशेष तौर पर दिव्यांगों की आर्थिक मदद की जाती है, साथ ही उनके रोजगार और खाने पीने की भी व्यवस्था की जाती है। जया शर्मा कैसे बनी जया किशोरी, आइए जानते हैं। बता दें कि जया किशोरी को उनके गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्रा ने उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए उन्हें किशोरी की उपाधि दी थी। जया किशोरी कहती हैं कि उन्हें अधिक समय तक अपने गुरु का सानिध्य नहीं मिल सका। जया किशोरी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। उन्हें फेसबुक पर 8 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। उनके 2 यूट्यूब चैनल भी हैं, पहला आई एम जया किशोरी जिस पर 18 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, वहीं दूसरा चैनल मोटिवेशन वीडियो से जुड़ा हुआ है, इसका नाम जया किशोरी मोटिवेशन है। इस चैनल पर भी करीब 8 लाख लोग जुड़ चुके हैं। जया किशोरी अब ज़्यादातर मोटिवेशन वीडियोस बनाती हैं जो युवाओं में खूब पसंद की जाती हैं। हाल ही में वे संदीप महेश्वरी के चैनल में एक इंटरव्यू में भी देखी गई थीं, जिसमें उन्होंने अध्यात्म और मोटिवेशन पर बात की। लोगों को वो इंटरव्यू बहुत पसंद आया था।
आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। धन्यवाद।